अब रेजिनाल्ड का काम था कि वो ट्रबल मेकर्स को अपने बिजनेस से दूर रखे, इसलिए अब वो सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों से ही डील करने लगा। लेकिन उसके इस डिसीजन से लोकल गैंगस्टर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक टीम बना के द फर्म पर अटैक कर दिया। इस लड़ाई में टेरी मार्टिन, जो कि लोकल गैंगस्टर की तरफ से वो थे, रेजिनाल्ड क्रे के हाथों मारे जाते हैं, जिसके बाद पुलिस रेजिनाल्ड क्रे के गिरफ्तार करने में और ज्यादा झुक जाती है और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन कुछ ही सालों में अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके वो रिलीज भी हो जाता है। रेजिनाल्ड क्रे वॉयलेंट तो था, बट उतना ही काम और कंपोज भी था। वो एक टफ गैंगस्टर से ज्यादा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में इंटरेस्टेड था। रेजिनाल्ड ने सोचा कि अब ओल्ड पूल हॉल से नए हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होने का समय आ गया है, इसलिए उसने डबल आर क्लब खोला, जो देखते ही देखते लंदन के सबसे फेमस क्लब बन गया और यहीं से सेलिब्रिटीज भी उनका कॉन्टैक्ट बनने लगे। इस बीच बेटिंग एंड गेमिंग एक्ट ऑफ 1960 पास किया गया, जिसने यूके में गैम्बलिंग के एडिशनल फॉर्म्स को लीगलाइज कर दिया और तुरंत ही रेजिनाल्ड क्रे ने डिसाइड किया कि वो इस नए लॉ का फायदा उठाएगा। उसने एक गैम्बलिंग क्लब खोल लिया, जो उसके लिए एक गोल्ड माइन के तौर पर साबित हुआ। अब वो एक सक्सेसफुल क्लब ओनर के रूप में गिने जाने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद रेजिनाल्ड को एक्सटॉर्शन के केस में 18 महीनों की जेल हो जाती है। अगेन वो अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करता है और उसे जल्द ही बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आने के बाद वो उसे कैंसर कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी होने वाली है KGF 3 की भी। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।